Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum. I am Jamil Umar Samu, your biology teacher. Today we will study another topic of chapter number 6, that is chromosomes and DNA. Aj asan 6 chapter ji inter class biology ji ek nayi topic padhanda se chromosomes and DNA. Sab ka pehla chromosome jo taraf padhanda se to chromosome ji discovery kahe kai chromosome chemically saja thelan un ji physical appearance kiyo hundi a chromosome jo role kedo hundo a jandar je andar. एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स ही सेल जा उहे ऑर्गेनेल हैं जेके न्यूक्लियस से अंदर होता है क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड वाल्डर फ्लेमिंग व्हाइल स्टडिंग द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सेलेमेंडर लार्वा इन जी पहली जेका ऑब्जर्वेशन है वह कें कई हुई वाल्डर फ्लेमिंग कई कदें 1882 में जैसे एग्जामाइन कर रहे हो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कें सेलेमेंडर के लार्वा जहा इन मुख्तलिफ़ एनिल्स के डिप कर परकिन्स एनिलिन सॉल्यूशन में इन डिठो तो परकिन्स एनिलिन सॉल्यूशन में इन जो कलर जो गहरो ब्लू है यानी बेन ऑर्गेनेल का इन कलर गहरो थे तो तेजे कर नालो रखी तो ये क्रोमोसोम्स हैं एक्चुअली क्रोमोसोम बिन वर्डन जो कॉम्बिनेशन एक है ग्रीक टर्म क्रोमो जी माना है कलर्ड बो है सोमा माना बॉडी इन लफ्जी माना है क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज हाँ एक्चुअली क्रोमोसोम जो नालो जो हों वो हों मिसनोमर मिसनोमर में मुराद ये है तो जै प्रॉपर्टी के बुनियाद इन नालो प्रोपोज किया है वह प्रॉपर्टी इन न एक्चुअली क्रोमोसोम जे कलरलेस हूँ पर इन गहरो कलर नजर अचे पे परकिन्स एनिलिन सॉल्यूशन में डिप होजन के करे क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जे विजिबल होंद ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन का पे क्रोमोसोम नजर ना तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में हूँ केमिकल कंपोजिशन के लिहाज का इन्हें में टे केमिकल्स हूँ डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन्स जैसे तो फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज का एक क्रोमोसोम में ब क्रोमेटिड्स होंद सेंट्रोमेयर होंगी सेंट्रोमेयर में एक डिस्क लाइक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होंगी कैनेटोकोर जो स्पाइनल फाइबर से अटैचमेंट में हेल्प कंदी हाँ एक क्रोमोसोम में जो ब क्रोमेटिड्स दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे उन्होंने डीएनए एक जड़ी होंगी है जीन्स एक जड़ी होंगे सेंट्रोमेयर की पोजिशन डिफरेंट होजन के करे क्रोमोसोम जो डिफरेंट शेप्स होंगे के राड लाइक हूँ के हुक शेप्ड हूँ के वी शेप्ड हूँ इन जो शेप्स डिफरेंट होजन के करे अस इनके ग्रुपन में विरा कि एक्रोसेंट्रिक हूँ टीलोसेंट्रिक हूँ मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक हूँ क्रोमोसोम आन किथे ये न्यूक्लियस में मौजूद हैं ये वर्क कह एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ जीन्स हाँ क्रोमोसोम की उ जगह जिते जीन्स मौजूद हैं उनके चबा लोकस लोकस जो जमा छा है लोकाए उनका अलावा ये ट्रांसफॉर्म थी वाइन सेल डिवीजन जी पूरी थी तो दे आर चेंज इन टू क्रोमेटिन नेटवर्क ए वरी रीअपियर थी सेल डिवीजन के वक्त से जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट थी तो क्रोमेटिन नेटवर्क टुटी कर क्रोमोसोम ठा इन ये इनहेरिटेंस में रोल प्ले कहें यानी पेरेंट जहा कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल कराने में रोल पैदा प्ले कहन स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप And complete set of chromosome found in particular organism is called karyotype. The branch AD biology general chromosome जो study था वह karyotyping है and chromosome जो set है karyotype चेप हुआ. हर जानदार में chromosome जो number specific होंगे आए. For example, Penicillium notatum में का fungus है जिसमें बक chromosome है. बक chromosome यानी हिकड़ो pair होंगे आ. Mosquito जो क्या है उनमें छह chromosome यानी tray pair होना है. Drosophila में आठ chromosome यानी चार pair होना है. Frog में छह chromosome यानी इन में 13 पेयर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स मौजूद होता है तो हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जो नंबर स्पेसिफिक होंगे ए क्रोमोसोम में डीएनए हिस्टोन किए थी मिलन एक्चुअली जी डीएनए होंगी वह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में ठहंदी है नेगेटिवली चार्ज होंगी जैसे तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होंद में मौजूद होंगे है उन्होंने में मौजूद हैं बेसिक अमाइनो एसिड अर्जिनिन एंड लाइसिन अर्जिनिन लाइसिन जो हूँ ये बेसिक अमाइनो एसिड इन के हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है उनते नेगेटिव चार्ज होंगी सॉरी पॉजिटिव चार्ज होंगी हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज आ डीएनए नेगेटिवली चार्ज आ अठ हिस्टोन जहाँ यूनिट पा में मिलता है डीएनए उनके चौधारी वेड़ी वेंदी है पार्टिकल ठहन न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम सुपर कॉइलिंग कर बाद में छाइन क्रोमेटिन ठाईंदा अगर तुम एक क्रोमोसोम में डीएनए कढ़ी कर एक स्ट्रेट लाइन में रखो था तो इन लेंथ जो होंगी है इन लेंथ मौजूद होंगी है तकरीबन 7 फुट या 2 मीटर के बराबर हाँ यहाँ 7 फुट या 2 मीटर की लेंथ वो डीएनए जो मालिक्यूल कड़े तरीके से जो है डीएनए में जो ठाण में रोल प्ले करे तो सॉरी क्रोमोसोम के ठाण में रोल प्ले करे तो एक्चुअली वेड़ियल होंद है हिस्टोन के चौधारी डीएनए जो मालिक्यूल
डीएनए जो मॉलिक्यूल अगर एस्ट्रोनेट चौधरी वेड़ियल न हो जाए तो न्यूक्लियस में फिट न अची सके। यह अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम पढ़ूँ था अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम जहाँ टाइप्स अस बयान क्या थे कड़ा मेटासेंट्रिक सबमेटासेंट्रिक टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक हाँ क्रोमोसोम एक होमोलागस हूँ अड़ा क्रोमोसोम जे सागन कैरेक्टर के तकरीबन कंट्रोल कन जिनते जीन्स सेम कैरेक्टर के कंट्रोल करा हुआ वे जोड़ा ठाईन अड़न क्रोमोसोम के चबा होमोलागस क्रोमोसोम दोज क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन साइज शेप एंड जीन्स आर होमोलागस क्रोमोसोम पर कुछ होमोलागस क्रोमोसोम जो पेयर के फॉर्म में हूँ उनकी शेप एक जड़ी नब होंगी जी ट्वेंटी थर्ड पेयर पढ़ी आ ह्यूमन में जो मेल हों तो राड लाई क्रोमोसोम हों एक्स एक् शेप हों जैसे असं वाई क्रोमोसोम चंदा तो दे आर नॉट सिमिलर इन शेप ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम यहाँ क्रोमोसोम की बी क्लासिफिकेशन अड़ा क्रोमोसोम जो मेल ए फीमेल में सिमिलर हूँ दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स अड़ा क्रोमोसोम जो मेल ए फीमेल में डिफरेंट हूँ उन्होंने चबा है सेक्स क्रोमोसोम असल सिमिलर क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल माना जो बिन्न में कॉमन होजन ऑफ सेम स्पेशी आर कॉल्ड ऑटोसोम एंड डिफरेंट क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल ऑफ सेम स्पेशी आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट के कैरियोटाइप है उनकी स्टडी के साथ सर्वा कैरियोटाइप है हाँ इन का बाद में अस पढ़ासी एविडेंसिस द डीएनए इज अ हेरिडिटी मटीरियल डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है इन लाइडो एविडेंस डो फ्रीडिक गिरफ्त स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया खी प्लस में खी माइस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया जहाँ टाइप है एक कैप्सुलेटेड बया नॉन कैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो आउटर सर्फेस स्मूथ हों इन एस टाइप बैक्टीरिया चंदा ये पाँच होस्ट के लिए नुकसानकार हूँ तेरे वायरलेंट चंदा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के आर टाइप चंदा छो तो उनको आउटर सर्फेस रफ हों होस्ट के नुकसान न ींदा तेरे ये नॉन वायरलेंट हूँ इन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जैमें अलाइव आर टाइप बैक्टीरिया खी कर इंट्रोड्यूस कराई माइस में डिठाई तो माइस जो है वो जिंदा है या उनमें कोई भी इल इफेक्ट जाहिर न थो एस टाइप बैक्टीरिया जिंदा हालत में माइस में मोकली माइस जो उनकी डेथ थी वही इन में मुराद एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया पाँच होश के लिए नुकसानकार एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री में हीटिकल एस टाइप बैक्टीरिया माइस में मोकलिया डिठाई तो माइस जिंदा है इन में मुराद ये है तो माइस डेड थोड़ा जैसे एस टाइप बैक्टीरिया जिंदा हालत में मोकलिया वन पर हीटिकल फॉर्म में मोकलिया वा तो उनसे कोई भी असर जाहिर इल इफेक्ट जाहिर न थो एक्सपेरिमेंट नंबर फोर में हीट के लेस टाइप बैक्टीरिया अलाई वार टाइप बैक्टीरिया माइस में जी डिठी माइस डेड थी हाँ एक्चुअली माइस के डेड न थियण खपे तो इन बुदायो तो जैसे माइस की जो कई है ऑटोप्सी कई तो मुझे जिंदा हालत में एस टाइप बैक्टीरिया नजर आया हाँ इन का पुछो वो तो जिंदा हालत में एस टाइप बैक्टीरिया कि नजर आया तक इन अंदर का चेंज आई है यानी ट्रांसफॉर्मेशन आई है उन सोरह साल एवरी मिकिल मिक्योरिटी साइंटिस्ट हैं जे डिफरेंट टेस्ट करे बुधायो तो छा या ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए जे करे आई या प्रोटीन जे करे या डीएनए जे करे या इन कंफर्म करे बुधायो तो या ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए जे करे आई या तो जेके हीटिकल लेस टाइप बैक्टीरिया हुआ हीटिकल लेस टाइप बैक्टीरिया जी डीएनए अलाई आर टाइप बैक्टीरिया कहन था कन आर टाइप बैक्टीरिया नवा एस टाइप बैक्टीरिया प्रोड्यूस कंदा जेके नमूनिया कराइंदा माइस जी जेका है डेथ थी वह इन में साबित थो तो डीएनए हेरिडिटी मटीरियल है इन का अलावा चैप्टर नंबर अस फाइव में फर्स्ट ईयर में पढ़ो है तो साइंटिस्ट आन जिन प्रूव किया हर्षी ए चेस तो डीएनए हेरिडिटी मटीरियल उन्होंने तजुर्बा क्या हुआ एक वायरस थे जैसे बैक्टेरियोफेज चबो है बैक्टीरिया के जैसे ईकोलाय चबो इन्होंने ईकोलाय बैक्टीरिया अटैक कराया वायरल प्रोटीन जो भी डीएनए जो भी बुधा तो जै मीडियम में वायरल डीएनए अटैक करे तो बैक्टीरिया उतने वायरल कापीज थन थी पर प्रोटीन वे मीडियम में का भी कापी नी थे लिहाजा बैक्टेरियोफेज जो जेनेटिक मटीरियल उनकी डीएनए आ पर आरएनए ना एक्चुअली डीएनए इज अ पोलीमर डीएनए पोलीमर है यो मां ठंद इट इज अ पोलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मां ठंद यानि केतरा ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मिली कर डीएनए के ठाईंदा हाँ क्वेश्चन यो है डीएनए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन का ठंदी हर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कें मां ठंद तो असें नजर इंद एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मुश्तमिल हों टन कॉम्पोनेंट्स से पहरियों कॉम्पोनेंट है डीऑक्सी राइबोस शुगर जिनको फार्मूलो हों सी फाइव एच टेन ओ फोर बो उन कॉम्पोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड इन में हों ऑर्गेनिक बेस जिनमें नाइट्रोजन होंगी दे आर कॉल्ड नाइट्रोजिनियस बेसिस नाइट्रोजिनियस बेसिस हूँ वे बिन किस्मन जो एक प्यूरिन्स या पिरमिडिन्स प्यूरिन्स डबल रिंग बेसिस हूँ पिरमिडिन्स सिंगल रिंग बेसिस हूँ उ प्यूरिन जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में हूँ एडिनिन ग्वाइनिन जे पिरमिडिन बेसिस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में हूँ थायमिन साइटोसिन
हाँ क्वेश्चन यो है तो ये पान में मिली कर एक न्यूक्लियोटाइड कि ठाईंदा। एक्चुअली एक न्यूक्लियोटाइड के सेंटर से डीऑक्सी राइबोस शुगर होंगी। डीऑक्सी राइबोस शुगर से फर्स्ट कार्बन से को भी ऑर्गेनिक बेस मिल फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड मिल। द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ईच डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। एट इट्स फर्स्ट कार्बन देयर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड एट इट्स फिफ्थ कार्बन देयर इज अटैचमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो एकड़ो छा ठही पवंदो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पान में मिली कर डीएनए की एकड़ी चेन ठाईंदा आहिनि। ही जो डबल स्टैंडर्ड मालिकुल आ डबल स्टैंडर्ड माना इन में ब चेन होंदन बई पोली न्यूक्लियोटाइड चेन्स होंदन जो एक बे से गंढियल होंदन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ सारी जी डिटेल है उनके बाद में पढ़ूंगा। एक्चुअली डीएनए की जो स्ट्रक्चर होंगी वो डबल स्टैंडर्ड होंगी। हाँ उनको ब स्ट्रेंड्स हैं उनके विच में डिस्टेंस होंद 20 एंगस्ट्रॉम ए लेंथ ऑफ वन टन ऑफ डीएनए जो होंगी वह होंगी है 34 एंगस्ट्रॉम। हर न्यूक्लियोटाइड जो हों एक टन में केतरी जगह वाला रही सॉरी एक टन में टोटल न्यूक्लियोटाइड घना हूँ 10। हाँ जैसे 10 न्यूक्लियोटाइड 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के एक्यूपाई कन तो एक न्यूक्लियोटाइड केतरी जगह वाला रही 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो स्पेस एक्यूपाइड बाय सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल वन टन या लूप में घना न्यूक्लियोटाइड 10 के मल्टीप्लाई कौ 3.4 से तो असेंगे नजर इंदो लेंथ ऑफ वन टन दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। हाँ इन का बाद में असा डीएनए की स्ट्रक्चर ठाई आसो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन में बेस अटैचल एडिनिन। सेकंड न्यूक्लियोटाइड के पेंटो शुगर में बेस अटैचल थायमिन। थर्ड न्यूक्लियोटाइड में बेस अटैचल ग्वानिन ए फोर्थ में बेस अटैचल साइटोसिन। अगर तक दिसो तो हर न्यूक्लियोटाइड के पंज कार्बन में फॉस्फोरिक एसिड एडल अड़ो बॉन्ड जो बिन न्यूक्लियोटाइड के पा में मिले इनके चब फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड अस लिखो PDEB फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। हाँ फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के गणी सेकंड न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से तो 3 और 5 कार्बन के गणन वो केर हों फॉस्फोरिक एसिड हों इन बॉन्ड के चबा फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। अगर इन चेन के ऐसो तो इन चेन में हर शुगर की फिफ्थ कार्बन अपवर्ड आ थर्ड कार्बन डाउनवर्ड आ इन चेन के चबा 5-3 चेन। तो 5-3 चेन में ही चेन किस्म जहाँ न्यूक्लियोटाइड एक बे गंढियल थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बी स्ट्रैंड होंगी है उनमें वरी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगी वह अपोजिट होंगी एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रैंड। अगर फर्स्ट स्ट्रैंड 5-3 तो इनकी अपोजिट स्ट्रैंड 3-5 होंगी। हर जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी जो थर्ड नंबर कार्बन होंगी वह अपवर्ड होंगी ए फिफ्थ कार्बन डाउनवर्ड होंगी। हाँ जैसे तुम पेरियो न्यूक्लियोटाइड तो उनके फर्स्ट कार्बन में अटैचल थायमिन। सेकंड न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन था एडिनिन। थर्ड न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन था साइटोसिन ए फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन था बेस अटैचल ग्वानिन। हर एक के 5 नंबर कार्बन से कड़ा फॉस्फोरिक एसिड हाँ ई अगर पान में मिलंदा तो थ्रू फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड मिलंदा। इतने भी फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड मौजूद होंगे। फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड गंढी कंखे न्यूक्लियोटाइड के। हाँ अगर तुम इनके ऐसो तो हि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हि एक बे से मिली वह चेन में थ्रू फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड बी चेन में मिली वह थ्रू फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। हाँ ये ब चेनू पान में कि मिलंद इनके गंढी है हाइड्रोजन बॉन्ड। कड़ो बॉन्ड इनके गणी हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिनिन थायमिन के विच में टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 3 जैसे तो ग्वानिन साइटोसिन के विच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हों घा होंगे 2 तो देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। देर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिनिन एंड थायमिन। तो ही एक डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। हाँ एक्चुअली डीएनए जो होंगी है इनकी स्ट्रक्चर दिनी हुई वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के मुताबिक डीएनए के ब पार्ट होंदा एक इनमें होंगे अपराइट्स जो मुश्तमिल होंगे पेंटोस शुगर ए फॉस्फोरिक एसिड से बेन में रंग्स होंगे रंग्स मुश्तमिल होंगे पेयर्ड नाइट्रोजिनस बेसिस से। तो असा इतने लिखो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए की स्ट्रक्चर लेडर लाइक आ इनमें जो अपराइट्स दे कंसिस्ट ऑफ पीए यानी फॉस्फोरिक एसिड एंड पीएस यानी पेंटोस शुगर जिन रंग्स मुश्तमिल होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस से। ए डीएनए की स्ट्रक्चर फॉलो कंदी है चरगाफ के रूल के। हाँ चरगाफ जो रूल बुधाए तो डीएनए में जितना परसेंट एडिनिन न्यूक्लियोटाइड होंदा उतना परसेंट थायमिन न्यूक्लियोटाइड होंदा
ऐं डीएनए में जेतिरा परसेंट ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड हूंदा आहिनि ओतिरा परसेंट साइटोसिन हूंदा आहिनि। एडीनिन ऐं थाइमिन जे विच में ट्रिपल बॉन्ड हूंदो आहे, यानी टे हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वाइनिन ऐं साइटोसिन जे विच में ॿ हाइड्रोजन बॉन्ड हूंदा आहिनि। हाणे जेकॾहिं तव्हां इन स्ट्रक्चर खे ध्यान में रखो चरगाफ वारे रूल खे, त एडीनिन ऐं थाइमिन जो रेशियो छो बराबरि हूंदो आहे, त इन जे करे त एडीनिन पेयर्ड हूंदो आहे थाइमिन सां, जॾहिं त ग्वाइनिन पेयर्ड हूंदो आहे साइटोसिन सां। इहा ई वजह आहे जो इन्हनि जो रेशियो पाण में छा हूंदो आहे, इक्वल हूंदो आहे। त इहा हुई ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ऐं इन खां पोइ असां पढ़ंदासीं डीएनए हेरिडिटी मटीरियल जो कमु कीअं कंदी आहे, ऐं उन खां पोइ आरएनए एज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐं प्रोटीन सिंथेसिस जा स्टेप पढ़ी करे चैप्टर नंबर 6 खे इख़्तिताम पज़ीर कंदासीं।